नमस्कार, वेलकम टू नवनीताज किचन। होली आने वाली है तो मेरे यूट्यूब के पूरे परिवार के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली में बहुत तरह के पकवान बनते हैं, इनमें से पुआ पूड़ी बहुत ही फेमस है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी आटे की मालपुआ। जैसा ये टेस्टी बनता है वैसा हेल्दी भी होता है। तो आप भी होली में एक बार आटे की मालपुआ बनाइए और सबके साथ इसका मजा लें। तो चलिए बनाते हैं आटे का मालपुआ। आटे का मालपुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कप आटा लिया है और आटे के साथ लिया है 3 टेबलस्पून सूजी। मैं इसमें कुछ मावा भी मिलाऊंगी, इससे मालपुआ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो यहाँ मिल्क पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ ग्रेट किया हुआ 5 टेबलस्पून मावा लिया है और लिया है 1/2 कप पाउडर चीनी। ये चाशनी वाला मालपुआ है तो आप यहाँ चीनी का क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। और लिया है कुछ किशमिश, इसे मैंने छोटा छोटा पीस कर लिया है। मालपुए में सौंफ का फ्लेवर ना हो ये हो ही नहीं सकता है, तो मैंने यहाँ 1 टीस्पून सौंफ को कूट के लिया है। सौंफ के साथ जाएगा इलायची पाउडर, यहाँ 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है। और बैटर को हम बनाएंगे दूध से। यहाँ मैंने दूध का यूज़ किया है, आप चाहें तो पानी और दूध 1/2 1/2 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर दूध से बैटर बनाया जाता है तो मालपुए का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बैटर बनाने के लिए इस बोल में डालते हैं आटा, सूजी, पाउडर शुगर और मावा और मिलाएंगे 1 पिंच नमक। इस चुटकी भर नमक से मिठास में फीकापन नहीं जाएगा और ये स्वीटनेस बैलेंस होगा। अब इन सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। सारा सूखे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गया है, अब बाकी बचे जो सामग्रियां हैं उसे भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। इन्हें भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ये मिक्स होने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए बैटर का प्रिपेयर करेंगे। इस बैटर को हम इसी कंसिस्टेंसी में रखेंगे क्योंकि इसमें सूजी और आटा मिलाया गया है। ये कुछ देर के बाद फूलेगा तो इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने रखते हैं और बाद में इसका कंसिस्टेंसी को हम एडजस्ट करेंगे। ये बैटर रेस्ट करे 15-20 मिनट के लिए, तब तक हम शुगर सिरप बना लेंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 बाउल चीनी लिया है। चाशनी में कलर और फ्लेवर के लिए मिलाएंगे केसर के कुछ धागे, इसे कलर और फ्लेवर दोनों ही बहुत बढ़िया आएगा। अब इस पैन में ले लेते हैं चीनी। हमने चीनी जिस बाउल के माप से लिया है उसी बाउल के माप से हम 1 बाउल पानी भी इसमें मिलाएंगे। साथ ही इसमें मिला लेते हैं केसर के धागों को भी। अब इन्हें हम बॉईल करेंगे और एक चिपचिपा सा चाशनी बनाएंगे। चाशनी पक रहा है और आप झटपट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। और जाते जाते लाइक और शेयर जरूर कीजिए आपके सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। इधर हमारा चाशनी 2-3 मिनट बॉयल होते हुए लगभग पक चुका है। अब हम इसे थोड़ा चेक कर लेंगे ये चिपचिपा बना है कि नहीं।
उंगलियों से चाशनी को टच करने से ये चिपचिपा लग रहा है, तो हमारा चाशनी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसका नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। चाशनी में केसर के धागे डालने से एक बढ़िया सा कलर आया है और बहुत अच्छा एक खुशबू भी आ रहा है। आप चाहे तो मिलाइए, नहीं तो फूड कलर और इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। बैटर रेस्ट होते हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। अब हम बैटर की थिकनेस को चेक करेंगे। 15-20 मिनट के बाद ये इस बैटर का कंसिस्टेंसी थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो इसे थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसका कंसिस्टेंसी को हम एडजस्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते हुए बैटर का कंसिस्टेंसी को ऐसा बना लिया है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो अब हम इससे मालपुआ बनाएंगे। बैटर को रेडी करते वक्त मैंने तेल चढ़ा दिया था गैस में। अब तेल का टेम्परेचर को हम चेक करेंगे। मालपुआ फ्राई करने के लिए हमें तेल का टेम्परेचर को मीडियम टू हाई में रखना है। अब बैटर के कुछ बूंदे डाल लेंगे तेल में और देखेंगे ये तैर रहा है कि नहीं। ये तैर रहा है तो तेल एकदम परफेक्ट टेम्परेचर में है। तो अब हम मालपुआ को फ्राई करेंगे। मालपुए के घोल को आप सेंटर में एक ही जगह डालते जाइए और ये धीरे धीरे अपना शेप लेता जाएगा। मालपुए के ऊपर से भी हम थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे। इससे क्या होगा कि मालपुए के दोनों साइड एक ही साथ फ्राई होने लगेगा। ये ऊपर से गीला नहीं रहेगा और आसानी से हम इसे पलट पाएंगे। मालपुए को हम उलटते पलटते हुए फ्राई कर लिए हैं। इसे हम ऐसा ही लाइट ब्राउन कलर करके फ्राई करेंगे। इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। इसे अब हम एक जाली में निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है ये निकल जाए, और ऊपर से थोड़ा सा दबाते जाइए तो अंदर का सारा तेल निकल जाएगा। इसी तरह हम सारा मालपुआ फ्राई कर लेंगे। सारा मालपुआ फ्राई हो गया है। अब इन्हें हम चाशनी में डीप करेंगे। मालपुआ फ्राई होते होते चाशनी थोड़ा ठंडा हो गया था, तो इसे मैंने मीडियम गरम कर लिया है। अब मालपुए को डालते हैं चाशनी में। मालपुए के अंदर तक चाशनी पहुंच पाए, इसलिए चाशनी को मीडियम गरम रहना बहुत जरूरी है। मालपुए को हम 1 घंटा के लिए चाशनी में डिप करेंगे ताकि ये चाशनी मालपुए के अंदर तक पहुंच पाए। इन्हें ढक देते हैं और मिलते हैं आपसे 1 घंटा बाद। मालपुआ चाशनी में डिप होते हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम ढक्कन निकाल के देखते हैं कि मालपुआ कैसा बना है। ये मालपुआ बहुत ही जूसी और रसीला बना है। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व करते हैं। सारा मालपुआ चाशनी से निकाल लिया है। इसे हम गार्निश करेंगे और प्लेटिंग करेंगे। ये मालपुआ थोड़ा चाशनी के साथ खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, तो इसमें हम थोड़ा सा चाशनी भी डाल देते हैं और ऊपर से रख लेंगे क्रश किया हुआ पिस्ता। हमारा मालपुआ का प्लेटिंग हो चुका है। बहुत ही रसीला और सॉफ्ट बना है ये आटे का मालपुआ। इसे आप इस बार होली में जरूर ट्राई करें। और होली हो या ना हो, घर में अगर आपको मीठे खाने का मन है तो इसे आप एक बार जरूर बनाइए और पूरे परिवार के साथ इसका मजा लें।